वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रवचन परमशद्ध स्वामी जी श्री राम सुदा जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम ீஷ்ணூரமர்ஷிதராஷ்ட ऐसी रीत मैंने देखी है, जो गांवों के ठाकुर होते थे वे भी अपनी खेती करवाते थे और गांव के लोग भी अपनी अपनी खेती करते थे। जब ठाकुर साहब की खेती होती थी तो गांव के जितने आदमी उनमें से एक एक दो दो आदमी
बुला लेते थे, हल बुला लेते थे, हमारा साल करो खेती करो, तो उसको बेगार कहते थे। तो आप समझते होंगे बेगार, तो बेगार में आते हुए सब काम करते, एक दिन की दो दिन की बेगार के पड़े चले जाओ, तो वह बेगार होते थे, बेगार में काम करते हैं। तो एक बेगार में काम करे, एक घर के खेत में काम करे, उन दोनों में फर्क होता है ना। बेगार में तो करना पड़ता है और घर के काम की तो रुचि होती है। खूब ये समझ गए ना, मानो जबरदस्ती बेगार में लार्थ में काम करना पड़ेगा, नहीं करो तो मारपीट करेंगे, दंड देंगे तुम्हारे, काम करना पड़ेगा, काम करते हैं। खेती का काम करते दोनों ही, हल चलाते वही हल भी चलाते हैं, घास काटना वो भी करते हैं, सेठी लेनी वो भी करते हैं, कर काटना सब काम करते हैं, खेती का जितना काम है वो करते हैं। तो बात ये बतानी है कि एक तो काम होता है घर का, खेत का, अपने घर का काम, एक होता है बेगार में जबरदस्ती करना पड़ता है। बांकुड़े के पास विष्णुपुर गांव है, उसमें राजा थे गोपाल सिंह जी, तो उतने मंदिर इतने बनाए वहां की, उसको वृंदावन बना दिया था, भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो वृंदावन बना दिया। तो उन्होंने एक बेगार रखी थी कि घर में एक आदमी घर के बाहर बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन करे, और नहीं किया जाए तो दंड दिया जाएगा। तो सब करते कि राज के सिपाही घूमते फिरते, किस घर का आदमी काम नहीं करता, कीर्तन नहीं करता है, तो ऐसे से काम करते थे वो। तो वो आजकल भी वहां पर बंगाल में, बांकुड़ा आदि के शहरों में अभी वह बात है, गोपालियर बेगार नाम एक है, जैसे अपने मारवाड़ी कहावता होती है, तो गोपालियर बेगार करे, अरे काम मन लगा नहीं करे, चाहे गोपालियर बेगार है गए, गोपाल सिंह जी कह दिया दंड देते। तो सब आदमी बाहर बैठ कर थोड़े थोड़े कीर्तन सब करते, करना पड़ता। अब एक तो इसलिए गोपाल गिर बेगार भाई, और एक अपने घर का काम करे, ये दो विभाग है ना। इस तरह से अपने माला फेरना है, इतना नाम जप करना है, इतना पाठ करना है, आए गोपाल ये बेगार है, तो काटनी पड़ती है, क्या करें, नीम ले लिया, बड़ा से कह दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो गोपाल ये बेगार काटो, अपने क्या करो। अगर घर का काम करते हैं, भोजन करते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वो बड़े प्रेम से राग से करते हैं, तो भजन है वो तो है गोपाल जी बेगार, नितलेम हो गया, कह दिया गया तुम करना पड़ेगा। जब नितलेम करोगे फिर रात रेल में भी करोगे, घर पर भी करोगे, जहाँ कहीं रहोगे तो करो ही, वह कोई देखे चाहे न देखे, पर अपने नेम ले लिया उतना समय करना पड़ेगा। माड़ा फिर तेरे माड़ा ही देखते पूरी दिन, राम 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 राम। अब इतनी बाकी रही है, क्योंकि पापा काटवा उठगा, इतनी हो जाए तो पाप कट जाए, तो अपन मारवाड़ी में पाठ पापा काटे तो करो। एक ठाकुर जी पूजा करने वाले थे, तो वे बूढ़े हो गए, जब अपने बेटा कहते तुम पूजा करो भाई, तो वे पूछ लेते, अरे ठाकुर जी को उठाया नहीं उठाया, उठा दिया, अब पापा वो कटे हो गए। तो ठाकुर जी को स्नान कराया नहीं, सब तरह से ये करा दिया, पूजा कर दी, चंदन चढ़ा दिया, पापा कटियो ठीक है। फिर भगवान ने भोग लगाया कि नहीं, कि लगा दिया सा, जो पापा कटियो आफत मिटी, और क्या पापा कटियो। तो ऐसी बात किसी ने देख ली, सुन ली, तो मुझे आप ऐसे कैसे ही अपन मारवाड़ी भी करते, दोरा क्यों हो, इतना दोरा क्यों हो, थाने क्या दोरा का ही मिला। अब बात देखो कि पापो कटियो, कि ठाकुर जी पूजे से पाप नहीं कटे, किसने कटे गए बताओ, भगवान ने पूजा से पाप नहीं कटेगा तो पाप किसने कटेगा। तो ठीक है, तो कहता हूँ पाप कटियो, तो पाप कटियो तो पापो कटियो, और अपने घरों का हमें दो काम है। इस तरह से आपसे कहूँ मैं, घर का काम तो करो बेगार की तरह, और भगवान का काम करो अपनी तरह।
क्यों तो ये बेगार है, ये तो घर की बेगार है भाई, घर में रहोगे तब करना पड़ेगा तुम्हें, प्रबंध भी करना पड़ेगा, सामान भी लाना पड़ेगा, रसोई बनानी इनको पड़ेगी, सब भोज भी करना पड़ेगा, जल भरना पड़ेगा, झाड़ू देना पड़ेगा, ये तो बेगार है। जब चीज बेगार करनी पड़ेगी और भजन करो, मस्त हो रहा, अपने घर का काम हो रहा है, अब तो कीर्तन हो रहा है, जप हो रहा है, सत्संग हो रही है, ये तो घर का धंधा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। परंतु बात देखते हैं तो सबके ऐसा नहीं हो, मैं नहीं कहता हूँ किसी पर किसी का दोषारोपण नहीं करता हूँ, एक बात समझाने के मन में आ गई, स्वास्थ्य बात कही कि अपने सत्संग भजन ध्यान है ये तो घर का काम है, मर जाओ तो साथ चलेगा, घर का काम तो हर साथ रहता है, हमारे नफा नुकसान हमारा होता है और बेगार में तो हमारा थोड़ा ही है। तो संसार काम करते हो, धन कमाते हो, आपके साथ कोड़ी चलेगी नहीं, ये तो बेगार है, जो काटनी पड़ती है, करें क्या, गृहस्थ आश्रम आ गया, बाल बच्चे हैं, स्त्री है, सब कुटुंबी काम पड़ता है, तो ये तो बेगार काटना है। असली काम तो भगवान का भजन स्मरण ये है। आजकल भगवान स्मरण के बेगार भी लोगों ने छोड़ दी, रात दिन वो काम करते हैं, मैं बेगार छोड़ दी क्या, बेगार जो भगवान का कर्म करता था वो बेगार भी नहीं देते, अब तो एक ऐसा काम करते हैं जो रात दिन घर धंधा करो, उसमें इतनी बात हो गई आपको, तुम्हारी आदत पड़ गई, छोरों को मार देना, गर्भपात कर देना, महान हत्या भ्रम हत्या से बढ़ कर देना, मैंने ये काम करना, ये असली अपने घर का मान रखा है। घर में कितनी हत्या होती है, क्या क्या दशा हो गई, हृदय कांपता है अगर इन विचार किया जाए, क्या करें, कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं, बाल बच्चों का पालन नहीं कर सके, ये माँ माँ नहीं है, जो माँ कहना में इनको शर्म आती है, इनके परिश्रम पड़ता है माँ होने से, तो आप करोगे क्या बताओ, आपका दर्जा माँ होने से ऊंचा है, अगर माँ नहीं बनो तो आपका दर्जा क्या है, बुरा लगता है हमें, आप जान लो क्या दर्जा है आपका, मैं कहूँ तो बुरी लगेगी, गाली लगेगी आपको, हमको ऐसा दिखता है, क्या पटकी पड़ गई आप पर, माँ बनने से रुचि करते हो, आपका दर्जा ऊंचा माँ बनने से है, स्त्री बनने से ऊंचा दर्जा नहीं है। हमारी माता सीता माता, जगत जननी जनक सुता, जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उनका दर्जा उतना किसी का दर्जा है नहीं जितना सीता माता का दर्जा है, इतना कोई दर्जा है किसी का, इतने दर्जे वाली के लिए भी जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो राम जी क्या कहते हैं कि ये नारी हान विशेष क्षति नहीं, स्त्री अगर नहीं मिले तो कोई नहीं है, मेरा भाई मर गया, भाई क्या करो, ये मर जाएगा, तो नारी हान है, स्त्री की हानि कोई पति बड़ी नहीं है, सीता जी के लिए क्या राम जी, माँ तो हानि बड़ी क्षति नहीं, बताओ कहीं भी कई पुस्तक में कृष्ण जी के कितनी इतिहास में बताओ कि माँ मर गई तो कोई हानि नहीं है, बताओ सत्संग सुनने वाले हो, भागवत सुनने हो, रामायण सुनते हो, कथा सुनते हो, राम सुनते हो, कृष्ण जी की सुना हो तो बताओ, राम जी कहते हैं हमारा मिलन सहोदर भाता भाई नहीं मिलेगा, ये बड़ी भारी हानि हमारे भाई की, नारी हान विशेष है, कोई विशेष विशेष हानि नहीं है, इसलिए मर गई, मर गई क्या, दूसरा ब्याह कर लो, मर गई, इतनी तिरस्कृत बात तो आप स्वीकार करते हो, और जो माँ बनने की बड़ी भारी है, जो पिता से 100 गुना अधिक, कहीं 10 गुना, कहीं 100 गुना, दोनों तरह की बात आती है, इतना अधिक आदर वो आप नहीं लेती हो, क्या हो आप, बेटी को बहू को या बहन को आप ऐसी सलाह नहीं दे सकती, लोगों को कह नहीं सकती, क्या कर रही हो आप, आप समझो मातृशक्ति है, मैंने तो पुस्तक लिखी मातृशक्ति का घोर अपमान, नारी है लट बच्ची है, ये गिरा दो, वह बच्ची आपको देखती है, माँ है, माँ बनेगी माँ, ब्याह होता है तो महाराज बेटी वाले छोटे माने जाते हैं और बेटे वाले जो है बड़े माने जाते हैं, पर विचार कर देखा जाए तो
तो बड़े वाले बेटे वाले बड़े नहीं, बड़े बेटी वाले हैं। तुम्हारा वंश बढ़ने के लिए हम आपको एक चीज सौंपते हैं, तो तुम्हारा नाम का रह जाए, वंश रह जाए। तो वो दान करते हैं और बेटे वाले दान लेते हैं, तो देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? वास्तव में दान देने वाला बड़ा होता है। दान में कितना कोई तुम्हारा वंश बढ़ जाए, जिससे इतना कितना दान करना, इतना बड़ा भारी उसका पुण्य है, उनको आज हत्या कर देते हो और उसका प्रचार जोरों से कर रहे हैं, ये मायंत्र ये कर रही है, सिनेमा से कर रहे हैं, कलयुग आया है ऐसा भयंकर, सब पापी बनाना ही, अपने तो पापी बनना दूसरों को बनाना। जैसे भगवान का भजन करने वाला कहते भजन करता है और नहीं कराता है, तुम ही करो, तो सब जगह से उद्धार करे। इस तरह से लोगों में कायदा हो गया कि हाँ तुम भी पाप करो, हम भी करें, तुम भी करो औरों को कराओ पाप, जल्दी जाए नरकों में खूब भोग भोगे। ये घर का काम करने की दशा वही है बाप, जो बेकार रूप होना चाहिए, जो घर का काम, और घर के काम में भी अन्याय, घर का काम ही न्यायुक्त नहीं, लगा मन और लगना ऐसी करते घर का काम, उसमें भी सांगोपांग नरक हो सके, महान पतन हो सके, ऐसा काम करना, ये काम घर का काम आपका। और भजन गान करना, सत्संग करना, ये है बेगारो काम। अब विचार करो क्या दर्जा दिया है इसको, और कहते हैं इतने वर्षों से काम करते सत्संग करते हैं, कुछ फायदा नहीं दिखता, फायदा दिखे नहीं, वो होना चाहिए दंड जो होगा, अगर यहाँ कौन दे, आप कहते हो फायदा होना चाहिए, क्या ये नियत फायदे की है? असली काम है इसका आपका, उसमें तो बेकार करते। और बात ये तो करना पड़ता है भाई, करना ही पड़ेगा आपको, गृहस्थ में रहते हो, बहन बेटी का ब्याह भी करना पड़ेगा आपको, किसी की जान भरा जाना पड़ेगा, आपकी कोई मर जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा, घर का काम पड़ा है तो करना पड़ेगा, खेती का काम है तो करना पड़ेगा, आप बच सकते हो नहीं, ये सब बेकार है, करनी पड़ेगी आपको जबरदस्ती, उसको तो घर का काम समझ लिया। और तुम्हारे साथ कितना जाएगा बेकार का काम करे, उस दान होगा जब मिलेगा कि वो ठाकुर साहब दे देंगे कि तूने भया है तो इतने तो बाद तुम भी ले जाओ, ऐसे सुना है कहीं? बेकार लेते हैं जबरदस्ती। सम्मत 1974 बूंदी में वहां के दरबार, और उनकी जो स्त्री थी महारानी, वो जोधपुर की जसवंत सिंह जी कन्या थी, सौभाग्यवती, सौभाग्य कुमार नाम था उनका, वह महारानी थी, वो राम स्नेह की चेली थी, उसने मेला किया था, हम संतों को इकट्ठा किया था, हम गए थे, मैं तो वहीं था, पढ़ता था उस समय बूंदी में, 1974 की बात है। तो मेले में थे, तो मेला आया जिसमें जितने अपने राज्य में थे सबको बैलगाड़ी दे दी, और बैलगाड़ी को सब संतों को वहाँ, रेल नहीं अब भी नहीं हुई है रेल, कोटा थी रेल, वहां से सब साधुओं को लो बेगार में गाड़ियां पकड़ ली, सैकड़ों हजारों गाड़ियां बैला गाड़िया में जो मिला था संतों वाला, एक मिला हुआ था धूमधाम से, मैंने देखा था, मैं वहीं था। तो उन गाड़ी वाला राम जी आया, उनको साधुओं को, साधुओं को राम जी कहते, राम जी आए, राम जी करो, राम जी काम करो, राम जी आया, राम जी आया, राम जी आया, ऐसे वो कहते थे बूंदी गए। तो उस बेगार में आई जो गाड़ियां बहुत आई, अब वो पैसा देना नहीं पड़ता, साधुओं को लाओ, गाड़ियों में चढ़ती साधु चढ़ते ही थे, कोई नई बात को नहीं, आज भी यही इस तरह से इकट्ठा किया था। तो भी गाड़ी वाले कितने इकट्ठे हो गए थे सभी, क्योंकि आड़ा पड़ता है, करे क्या, अब घर में है गाड़ी नहीं दे तो ऐसा होता नहीं। अभी ये करते हैं लोग, मोटर ले लेते हैं और वो काम ले लेते हैं, और नाश करने के लिए बेगार देते हैं, नाश करने के लिए खेतों के पास जानवर को मारो, टीडी को मारो, टिकन को मारो, मारो नहीं मारो तुम्हें दंड देंगे। तो पाप करने के लिए जबरदस्ती कराते हैं, करने में आप बच नहीं सकते, ऐसे उस काम को तो आप बेगार फिर भी समझते हैं, बेगार साथ ये भी समझते हैं कि धान हो जाएगा हमारे ठीक हो जाए, लोग उसमें लगाए। तो बेगार के काम में तो बेगार भी और घर का काम ही वो कर रहे हो, जो पापों का नरकों में रहने का,
भगवत प्राप्ति की बात है, माला जप है, पाठ है, ये तो करना पड़ता है भाई, क्या करें, ये बिगाड़ घोट रखा है। तो ये भावना बदलो, लाभ चाहते हो तो भावना बदलो, अपने भगवान का भजन करना ज्यादा भी, ये तो असली मन लगाकर चित लगाकर करो। आप खुद की तरह करते हो, फिर कहते इतना वर्षों से हम करते हैं, ऐसा क्या लाभ हुआ? आप करते किस ढंग से और क्या करते हो, ये सोचो आप स्वयं। ये फल बेचने वाली, साग पत्ती बेचने वाली स्त्रियां घूमती है तो फाल पास में, तो बाल से क्या करते, बाल के बाद ले जाते अपने घर में से, बाजार ले गया, ला दे दिया, फल ले लिया। ये पैसों का सिक्के का तो आवाज ज्यादा हुआ है प्रताप, ये पहले चीज थी, कुछ कुछ मेरी भी देखी हुई है और उससे पहले बहुत ज्यादा थी, सिक्के का इतना था। अरे सिक्का होने से अन्याय हुआ, इकट्ठा करने लग गए, एक छोड़ पीछे रेज की मिलती नहीं थी, पैसे मिलते नहीं थे, किसी के पास ही उसने अपने कब्जे कर लिया, उसे कब्जे कर लिया। ऐसी दशा हुई, आप लोगों ने देखा, याद है नहीं याद पता नहीं हमें, हमें याद है। तो ऐसी दशा हुई है, अब वो पैसा इकट्ठा, पैसा पर मानो रुपया पैसा बढ़िया है, तो वे क्या करते थे, बालक अपने घर से ले जाते, तो कृष्ण भगवान ने सुना, सूखे मालने की बात आती है, सूखे मालन नहीं, तो भगवान ने क्या किया कि फल खाएंगे हम तो महाराज वो घर में ढेर पड़ा था धान का, पड़े ही आंगन में पड़ा ही रहता है, ये तो कोई नई बात है, उसमें भरी आंगन बहुत दबा भरिया, अब दबा भरे जो आवड़ियों की पढ़ाई हम पड़े ले गया, जागर जा दिया ले मन फल दे, जो मालन के फल दे भगवान आगे दुबे में तो चकित होगी, वो प्यार आया। तो इस तरह से पढ़ जाते थे। एक बात ही वो बताऊंगा, वो कहावत, वो मांगता है छोरा के ला मेरे को फल दे, तो गूंजे दे दिया, तो बोझे दे दिया, के और दे, ये तो और दे दिया, के और दे, जो वाक्य तो थारो कीणो तो संभाल, थारो कीणो कितो दियो है, कीणो कीणो है ताना दड़ा, थारो कीणो तो संभाल के, तो अटो ज्यादा ज्यादा लेता है, कीणो कितो दियो है, हम धान कितो दियो है, जो थाने पूछे थे भजन कितो कियो है, थारो कीणो कितो है संभालो, कितो तो मन लगायो है, कितने से तब पास काम कियो है, मन पर लाभ होना चाहिए, तो प्रसाद चित्र तो लाभ है, नाम से इतना लाभ है, जो कटे मार तो यही को नहीं था, परसों करा अरे निराश हो जाए, अरे भाई कीड़ो तो संभालो था ना, कितो दियो है, इसको लाभ हुई हो जो तो तिरस्कार करो भगवान का नाम, दंड होना चाहिए, दंड नहीं हुआ जो ये तो लाभ ही है, भगवान का नाम रोग तिरस्कार करो, अपमान करो, भगवान नाम तिरस्कार अपमान करे तो सादर आदर्श मरे, अब पाठ करना है तो मैंने करना पड़े, मैंने गीता पाठ करना पड़ती है, तो मैंने करना पड़ती कर सा मैं तो करना, जब करना पड़ी थी माला फेरनी पड़ती, और सम्मान है कि अपमान है, भगवान रो नाम रो सम्मान है, वो ऐसे नाम को अपमान करो, लाभ चाहोगे मन बड़ो भाई लाभ हो जाए, ये तो वर्षों से करते हो, कैसा करते हो, किनो संभाल था ना, किनो संभाल लाभ चाहते हो गणेश सारू, जो भगवान गया जाके मन पर दे दे, भगवान रूप पर इतनी मस्त हो गई, लाला आया मेरा प्यारा, देख देख बेटा मारी गोदी में आ जा, मेरी गोद में आ जा, तेरे फल देंगे, फिर दे दूंगी, दाना तो थोड़ा ना धोबो तो भरी हो आंगने में आओ, जितने में भगवान धोबो की तो अरे मैं खिंडता रहे बिखिरता रहे दाना, थोड़ा सा दाना ना देखा तो दाना दे बदले तो क्या देवे, मैं रूप देख तो मस्त हो गई, मेरी गोदी में आ जा, मेरी गोदी में आ जा, बालक हरेको अच्छा लगे, कृष्ण भगवान बालक कितना अच्छा नहीं लगे बताओ, कितना प्यारा लगे, हरेक माँ बनने का मन आवे, कभी माँ बच्चे हृदय लगाओ प्यार करू, ऐसा प्यारा हुई हरेक माँ को, तो कृष्ण भगवान ने देखा, कोई देखा तो नहीं है, इधर उधर देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, गोदी में चला गया, फल दूंगी फल फल दूंगी तेरा, ऐसा गोदी में चला गया, वह तो निहाल हो गई, भूल गई सब बात, मस्त हो गई, भगवान का दर्शन ऐसी चीज है, उसको और थोड़ी ना दरबार का, चल ले जा, मर जाओ चल ले जा,
कृष्ण भगवान समझा सी बात गोदी में फल मिल गया तो अपन लाभ ही हो बेटा बन गया भगवान हृदय लगा दिया कभी भी खेला लिया कितना आनंद आया महाराज जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संतों को भगवान शंकर को नहीं आया वो आनंद आ गया उसको उम्र भर की चीज मजदूरी कर फल पाया जैसे केवट ने कहा मां जन्म भर करी महाराज आज मेरे को तो मिली है सफलता क्यों नहीं किया समझे तो इसलिए वो बात याद आ गई इस तरह से आप कहते हो कि इतना वर्ष हुआ है तो किनो तो संभालो वर्ष तो हुआ पर किस तरह से करो भजन कैसी रुचि है किस रीति ढंग से करो हो अगर पूछे पूछने वाला हो तो क्या उत्तर है इसका जो करते हैं उससे लाभ अपने को हुआ है ये बहुत ज्यादा हुआ है अपनी नियत और अपनी तत्परता अपनी इच्छा और अपनी प्रियता भगवान ने कितनी उसको संभाले तो ज्यादा हुआ है कम नहीं हुआ है सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है पर सत्संग में रुचि कैसी होनी चाहिए किस तरह से होनी चाहिए अपने लोगों में बहनों में भाइयों में भी सत्संग रुचि है रह नहीं सकते ये इस बात चलो भाई मन खिंचता है वहाँ चाहे प्रेम रहे ही तो वो खिंचता है उतना उसको लाभ ज्यादा हो गई जितने जितनी रुचि ज्यादा है जितना जितना अपना काम समझते है भीतर से एक दूसरा काम करे रोटी खावे भजन भोजन करे तो भोजन में रह जाओ काम धंधा रहता है काम धंधा शिरोड़ा भोजन तो खुद का अपना है ऐसे आप भजन स्मरण करो तो अपनी चीज सदा साथ रहेगी और घर की बेगार है तो घर तो राम नाम से तो बोला घर सही गया अपने करेंगे आप कोई साथ है नहीं असली तो घर का काम है असली घर का भगवान का भजन करना भगवान ने कहा है न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम मेरा धाम वो है तो भगवान के पुत्र हो तो भगवान का काम तो वो भगवान के बेटे वो घर है अपना ये घर है अपना यहाँ तो आए हुए और जाना पड़ेगा रह सकोगे नहीं ये तो एक बेगार खटनी है उसने रहना है जितने काम कर देना है वो भी रुचि पूर्व दूसरों को सेवा रूप करो अच्छी तरह से इस सेवा का भी फल वही होना चाहिए घर जाओ जो घर की कमाई भगवान का काम समझो भगवान का मैं हूँ भगवान का घर है भगवान का काम है भगवान का पैसा आदि है भगवान के जन है उनकी भगवान की जनक सेवा करो तो बिगाड़ नहीं हो सब सब भजन हो जा सब घर का काम हो गया इन गत्व निवर्तन थे तद धाम परम मम तो परम मम और मम ही वो चार मकान है वहाँ पास पास में क्या भगवान कह रहे हैं मारा घर है मारा ही अंश हो तुम क्या कहते तद धाम परम मम यार मम ही अंश हो जीव लोग बताओ एक नाम नाम से हो जाए अरे बेगार वही है वो नाम वो नाम है गजेंद्र से उच्चारण की गजेंद्र कितनी माला फेरी किसी देर से आया भगवान कितनी माला फेरी आयो आ देना वो नाम है द्रौपदी को कितनी माला फेरी चाहे चीर उतारा दिन वो नाम है एक नाम आ देना गज अपनो बल भरते हो नेक शरीर नहीं काम बल लगा कर राम राम करो तो बल लगा बरतना है अपने लिए काम कर दो हिरण का शुक्र है अपने लिए करे वो आर्थ हो जाता ना आर्थ कोई जगह नहीं है केवल एक ही है गजेंद्र गजराज भी सैकड़ों हजारों वर्षों तक लड़ाई होती रही मगरमच्छ को तो वे भीतर देना है पड़ा इसको बाहर से देते रहे हथियार हथियार बच्चा सब इस नशको घाल घाल करके खेच रहे हैं उधर उधर खेच रहे हैं बस बीत गए तो व्रत बीत गई तो काम करियो और जब देखो कोई नहीं सहायता करने वाला अनन्य भाव से तो ये घर का नाम है ये
मेरे तो ये घर का नाम ये और कोई घर का नहीं है, सब पढ़ाया है सब अर्थ होकर के सबसे रक्षा पाने के लिए, अपने उद्धार पाने के लिए रोए हुए मेरा कल्याण कैसे हो गया क्या होगा, अर्थ होकर के द्रौपदी ने पुकारा भगवत उचार अपार अपर गजेंद्र जी में करो हरिदार गजा करो गजेंद्र जी में करो गजेंद्र का द्रौपदी का नाम लिया जाता है, वो अर्थ भगत है, वे प्रेमी नहीं है, वो प्रेम बात और भी है। भागवत ने लिखा है त्रिभवन त्रिलोकी के राज्य से भी अधिक मिलता हो कि आदि क्षण के लिए तुम भगवान के चिंतन छोड़ दो तो नहीं छोड़ती, वो ही भगवत है। एकादश स्कंद में जब भक्ति का वर्णन और योगेश्वर आया है, कबीर हरिहर अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रबल प्रलायन आविर्भूत चमत्कार भाजन है नौ योगेश्वर है, उनमें राजा धर्म ने पूछा है जो भक्ति पूछी उसमें ये बात आई है, वैष्णवागिरी वो वैष्णवागिरी है भक्तों उत्तम भक्त वो है, आधे क्षण के लिए भी त्रिलोकी का राज मिलता है तुम आधे क्षण छोड़ दो कि नहीं। भागवत में लगा है त्रिभुवन तो हेतु भी क्षण वैष्णवागृह पुष्प राज्य स्तंभ है वो नाम प्रेम से उसको भागवत उत्तम कहा है, भागवत आरम्भ बताया है अर्थाया भयानी यह पूजा श्रद्धे थे न तत्त प्राकृत प्राकृत भगत है कृपो मेत्री कृपोपेक्षा करो मध्यम यार उत्तम भगत वो है, तो उस भक्त के लिए है आधे नाम भगवान आधे नाम आ जाए आधे नाम अर्थ में आ जाए यार प्रेम की बात तो भगवान सुखा ही नहीं सकते बदला, इतना उसका नाम है। जहाँ वो भक्त बोले कवि हरी हरी है पहला बोला दूसरा मैं तीसरा है एकादश खंड में देख लेना प्रकरण देख लेना बता देना सवैष्णवाग्य सभागवत उत्तम उत्तम बताया ऐसा कैसी विलक्षण बात है, तो वो ऐसा प्रेम हो जाए बना त्रिभुवन भवन हेतु में त्रिलोक क्या चीज है, त्रिलोक का राजा मिल जाए तो भी आधे क्षण भी भगवान को नहीं छोड़ता, आधा क्षण भी आधे क्षण छोड़ दो त्रिलोक मिल जाए जितनी आधा क्षण तो सच्चा है त्रिलोक सब कच्ची है क्या है, वो वैष्णव है वैष्णव आ गया इस वास्ते वो भगत भगवान ना वो है भगवान नाम कौमुदी पुस्तक है उसमें संस्कृत में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है वो उत्तम है, कौन ऐसा उत्तम अधिकारी है जिसे भगवान के नाम की इतनी महिमा गई हो जाए, तो वो भगवान की महिमा है, बेकार करती तो ठीक है बेकार घाटे तो भी है भगवान की बीमार रुक गए पुष्पिता कभी हरी दूजा दूजा बोला तीजा बोला आरम्भ में है पहले पहले कभी कभी है करी हरी अंतरिक्ष हरी का अंतरिक्ष भी बोलता है हरी रुवा से अंतरिक्ष रुवा से दूसरा है हमें पूरे याद नहीं है ठीक है वहाँ ये बात याद है यदि बात है महाराज नावर्षली वो होता है असली लग जाता है मन उनसे छूट नहीं सकता, छूट जाए की बात नहीं है अब लग जाए माँ किसो पर बैठती है मन खीरे पर को बैठे अंगा पर को बैठे सब जगह बैठे माँ सब जगह नहीं बैठे माँ अंगार पर बैठ देगी यदि आप माँ घरे बैठ जाए सारे की बैठ जाए बैठ जाए तो फिर धुआं ही उठे हुआ को उठने ऐसे भगवान में लग जाए धुआं ही उठी हो जाए वो नहीं उठ सके जब तो उठ सके तो कभी बदला की नहीं ऐसी तरह से ऐसी बात है भगवान लग जाए छूटता है लग जाए छूट जब लगा नहीं है लग जाए तो लग जाए लग जाए लागी लगन 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 सब कोई कहे लगन कहा सोई जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई
लागी हुई झाड़ तुझे क्या जाने, तुझे क्या पता, लगी है सत्य लगे रो ही जाने। लोग देख रहे क्या करे, सत्य क्या करे, राम राम क्या करे, बार बार क्या करे, अरे क्या करे, रहा नहीं जाता महाराज। असली आप कोई पूछे, इतने बैठे हो, किसी से हम प्रश्न करें तो फूफा क्या शुरू करी है, लहर फीसे हंसे यू छोड़ो इसको, फूफा फूफा करते हुए क्यों बंद करते हो इतनी बार बार करो, भीतर ले लो फूफा फूफा, कोई धंधो है क्या, सही है धंधा, छोड़ो छोड़ दो, अब बार बार क्या ले बताओ, अरे बार बार राम 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 करे, बार बार क्या करे, बार बार सत्संग क्या करे, तो बार बार श्वास क्या ले रहे, एक दो चार दस पंद्रह बीस सौ दो सौ ले लो, खत्म हो रहा, हर दिन क्या फूंक पकड़ लगाई है, आप छोड़ते नहीं, छोड़ दोगे, छोड़ दो तो प्राण छूट जाएगा, राम नाम सत्य बोल जाएगा, क्योंकि ये तो जीवन है, हम जी रहे हैं, कोई के आप कहीं दंड छेड़ी हो, रात दिन हरदमी हरदमी करते हो, क्या बात है ये, जिसमें भगवान प्राणों से प्यारा कहते हैं, प्राण से प्यारा, तो प्राण प्यारा है, छोड़ नहीं सकते फंफा को, इनसे प्यारा भगवान लगे, वो भक्ति होती है, वो भजन होता है, सुन लिया प्राण प्यारे, उसमें प्राण प्राण उसका नाम, श्वास छोड़ सकते हैं भगवान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि श्वास तो केवल शरीर के लिए है, वो खुद के लिए है, श्वास तो शरीर के लिए है, श्वास बंद होते मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, और वहां अपने खुद खुद की बात है, खुद भी तो वो घर की बात है, ये तो फिर बेकारी बात है, असली बात है, उसको फिर भगवान थोड़ी दूर है, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए, जाए कैसे हो जा रहे, इतना बढ़िया जल्दी काम करने वाला कोई है ही नहीं, जल्दी ऐसा काम है ये, तो भगवान का भजन असली चीज है, तो उसको असली मानो, असली, इसमें किसी बंटवारा नहीं है, घर के काम में तो सब शिरोली दुकान है, कुछ आपके पास है, कुछ स्त्री है, कुछ पुत्र है, कुछ माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, सबके सिर का काम है ये, यार भजन करता खुद आपके एक का काम है, एक दुकान शीर वाली, एक दुकान हुआ अपने घर की, तो किस में मन लगा करोगे, त्रिभुवन ये लव निमिषार्ध मत ये ऐसा कृष्ण वाला ये त्रिभुवन भी वो ये तब अपन स्मृति रजितात्म तुझे कौन बोले ऋषि हरिर्वाच हरि है हरि रंद पहले पहले है पहले पहले दूसरा अध्याय में श्लोक दूसरा अध्याय का एकादश स्कंद का हरिर्वाच हरि करे हरि करी हरि कवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन करवाजना तो वो वेस्ट बाकी है महाराज, ये बड़ी बात है यार, सोनी तोली तोली जो सोनो लौटे ईट तुम्हारी तोल जो है सोनो तोल रहा सोनो एक ईट ले रहा हो ये सोन तोल मारे ईट तोल जो अरे ईट सोनो कर सोनो पीड़ पीलो यार मारो ईट भी पीड़ पी लिया ईट तो कहा होते तोला जाए सोना ले थोड़ा ईट जो भारी तोलो कैसी बात है ईट तो ले ईट तो लो ऐसा भजन साम कर हमारी तो धन मिल गया हमारा पद मिल गया और हमारा ऊंचा मिल गया मिनिस्टर बन गया नेता बन गया इन सब पुराने राक्षस बहुत तेज थे दास जप करते थे देवताओं को मानते थे शक्ति प्राप्त करते थे आज भी विश्वास नहीं मंत्र विश्वास नहीं देवता में विश्वास नहीं पर्व में विश्वास नहीं यार ऊंचे आदमी होंगे कृष्ण ऊंचे देख लो ये दशा है भाई तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो ठाकुर जी में लग जा तो ठाकुर जी और करना क्या है ठाकुर जी लोभी है बहुत लोभी जैसे लोभी आदमी करे कूड़े कचरे में मेले में पड़ी हो पैसा रुपया ऐसे भगत कटी पड़ी और करे कोई गड़बड़ किसी जूड़ी में और किसी वर्ण में और किसी आश्रम में भगवान में इतना लोभ है
ऐसा लोभ है भगवान ने। समझे हनुमान मिले नहीं महाराज तुलसीदास जी महाराज परम रंग दिन उपहार्स पाओ। परम रंग, रंग भी मामूली नहीं, और उपहार्स मिले भी पार्स रुपया पैसा नहीं, नहीं। समझे राम जी के लिए दुर्लभ है ये, आया अग्नि। और जो सुमित्रा मिली तब क्या बता रुकने, राम जी को मिला है, सुमित्रा को मिला ना। किसके लिए है, राम जी के लिए है, सुमित्रा माता के लिए, राम जी के लिए बताओ। तो कितनी राम जी ने भूख है, आप लोगों को है थी भूख, राम जी बहुत भूख है, जिसमें आजकल में बहुत ज्यादा भूख लग गई है। क्यों आज परवाह नहीं करते वो राम जी की, आज तो पापों को करते हैं बढ़िया बढ़िया रीति से, बड़े ढंग से बना करके, फिर कैसे करना, प्रसिद्ध करना, इतना करना। एक स्त्री ने ऐसा काम किया, पति को लगा पता, तो वो गया पीछे, कृपा क्यों करती है, तो करने वाले कहा कि वो बहुत काम हो गया है, इतना त्वरा किया है, इतना पानी गर्म किया है, इतना उसको काम किया है, इतना वो दही लगाई है, इतना वो किया है, अब ज्यादा काम होने वाला है, घंटा दो घंटा काम किया, कितनी मेहनत कर रही है, जान कर कितनी विधि विधान से पाप करते है, अंधविचारों का लाजवाब हो गया, क्या करें, अब क्या करोगे, अब पीछे काम रह गया है थोड़ा सा, कितनी मेहनत करी, कितनी दवाया करती, कितना कितना उपाय उपचार किया, ऐसी तैयारियां करती है। वो सुनने मिले थे मेरे से ब्राह्मण, तो ऐसी बात है, बड़े पैसा लगा करके 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया सरकार को नारा मिले, आदमी से नारा लगे रुपया, पाप कर था नरक में ले जाना, पैसा लाओ नरक मुंह में नहीं मिलेगा, नरक इतना रुपया लाओ नरक में प्राप्ति होगी, ये असली काम है, इसको असली मानना है, नहीं कर दोगे तो कहते मूर्ख कहेगा, आजकल के जमाने में ऑप्शन नहीं कराया क्या करिएगा, नरकों में बहुत जल्दी जाना, मिले ऐसे दूना पाप करना बढ़िया, रुचि सो पैसा देकर खूब विधि विधान सो बढ़िया, ना बता बात ये देखो तो मजा क्या ढंग है, ये परमात्मा प्राप्ति का ढंग है, ये भजन है, लगी भजन लगाया, भगवान में मन लगाया, भगवान ने भक्ति करी है, कितनी करी है, कैसी करी है, कितना किया है, सच्चे से लो भाई मारे इतने भी आप सुन रहे हो, ये भी भगवान की कृपा है, आज सुनते रहे, अभी जाकर के बाजार में गए राम राम सुनाऊ, गीता सुनाऊंगा, सारे बाप ने सुना गीता, मारे तो ये मरा आ गया गीता सुना है, मान नाराज हो जाएगा, आप परीक्षा कर लेना किसी की दुआ में, गीता गीता सुनाऊंगे, मैंने गीता सुना है, गीता मर देखे सुना, मैं मरू गया गीता सुना, तुझे गीता सुन लो कितनी कृपा है, मैंने पाठ करते हो, आदेश आया आज गीता जी की, किसी को परीक्षा कर देगा ना, राम जा घर में किसी कहता आदर गीता सुनाऊंगा, मारे है मैंने गीता तुम मृतकाल में सुना भाई, बताओ कितो आदर है गीता जी को, ये तो मुर्दों की चीज है, एक भाई बोला वो चित्र लगा, बोला घर में चित्र लगाएगा, चित्र लगा रहे कोई नायरी दुकान है, चित्र नायरी दुकान में आ गए, मारे से बात भी थोड़ी, मैं घर में चित्र लगा नायरी दुकान, जिस लोग हजामत कर रहे थे चित्र लगा रहे, हमारे घर में चित्र लगा कोई नायरी दुकान है, तो जवाब मिला है मेरे को, आप भी पूछ लेना कहीं आपको मिल जाएगा, घर में चित्र लगा भगवान के दर्शन हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, भगवान याद आवे, चित्र लगा हुआ नाम नाम लिखा हुआ है, हनुमान जी महाराज पर असर पड़ा, राम नाम अंकित गिरी देखा, भविष्य नगर वो श्री या काम लंका में, लंका में ऐसा भगवान का नाम लिखा है, तुलसी लगी हुई जैसे,
तुलसी देखी भगवान का नाम देखा सीताराम राम बोल गया नाम सचन है इसको हट करी है वो पहचानी साधु तो हो पहचान करूंगा उसमें लगने थोड़ा पूछ लगा जाता है सर मारी मुक्की तो बेचारी पैर पर बैठी थी तो पूछ कई अपराध की हो हनुमान जी बना सकते है लेकिन अपराध क्या है जब पैर पर रखी हुई है कोई भी जावे तो उसको कह देना मना करना दरबान का काम है आप बिगड़ जा रहे हो लंका में कि मेरा दया कर करके लंका में गुड़ रहा है मोहा मोर आहार लंक कर चोरा लंका में चोर आता है मेरा आहार होता है हनुमान जी मारी मुक्की गई क्यों मारी कि चोर जो आहार है सारा धड़ी मात्र मालिक सारा जो चोर है लुगाई को चोर मैंने तो बड़े खुलो अरे मन दे तो मुक्की दिया जाएगा तो अगर सारे लंका नो चोर ही आहार हुए तो फिर तू रावण ने खा ले चोर ले हुए या मैं कहीं चोरी करूँ थी सर की ली गोरी भी तो जाऊँ जी मैं चोर हूँ मैं तो सोचता कायदे ठीक नहीं है नहीं तो कह दे भाई तू चोरी बिचार रहा है दरबार रखा आप ड्यूटी बजा मना करे मारो मुक्के मारो वो न्याय पर है अपने काम पर ड्यूटी पर है भगवान के न्याय पर कहाँ है मोर आहार लंक कर चोरा लंका में चोर हो तो मारो आहार है तो पहले तो मेरे खा ले रावण में चोर तो वो है चोरी कर दिया राजीव की बात मुक्की लागी रुद्र वमत धरनी ठन मनी पृथ्वी पड़ गई मुंह से पानी खून बन लागी तो क्या हमारा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तरिये धरिये तुला एक तूलंत ताहि सकल गली जोश वाला सत्संग आपके सत्संग हो गया सत्संग आया ये सत्संग खून पड़ लागी ये सत्संग हुई है लंगनी खुद कहती है समझे स्वर्ग अपवर्ग सुख जैसे अल्लाह के बाद आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य है देखो नयन राम कर दूत राम जी के दूत के मेरे को दर्शन हो गए राम जी के दूत गए दूत मारे जूत को दूत मुक्ति से भी ज्यादा आनंद बने मान सत्संग होश आ गया होश ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो मेरे को पिघल होश कम कर मारे जब बंदर के बाहर नहीं पिघल हो जाए तो जाने निश्चर संहारे अब अवसर संतों की तो चोट लगे खून में सत्संग है बड़ो दूर सुख बताया सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली स्वर्ग जो सत्संग ये घर का काम है महाराज मुक्का लगा घर का काम हुआ इसलिए ये घर का धंधा है दूसरे बिगाड़ समझ आए घर का धंधा क्रोध हो भी देवसी मरे तुल्य भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है भगवान अपने हाथ से मारे कितनी बढ़िया बात मारिस ने यही कहा कि दूसरे हाथों मरो भगवान ने हाथ से ही मरोगे चलो भाई मन में स्वीकार कर रखे हो गया मरो भागे भागे हाथ से मरो भगवान के साथ पल पल मिलेगो बेबल होगी वे धनुष लेर मैं बार बार देखूंगा धनुष मोस होगा मेरे समान कौन धन्य है मतलब घर का काम है ये परिवार का है सीता जी के मन है सोने में मेरे गए सोने में मेरे साथ आ जाए बाढ़ हजार देखे तो राक्ष पड़ा हुए अब लाओ करो लाओ सोने खा सीता जी के मन में आ गई सोने नहीं खा लो आप मेरे साथ मिल जाए मेरे शर्मा में बैठो भगवान के सोनेरी रीत है दोनों सोनेरे नगर में जा बैठ जा सोनेरी
सुनहरी नगरी भगत रे मन भगवान पूरी करे सुनहरी मिल जाएगा सुनहरे सुनहरे मकान से सुनहरी सुनहरी जाओ बैठ जा तो सुनहरी चाहने से तेल सब है भाई भगवान की चाहना हो तो क्यों होते सब थे सुनहरी चाहिए सुनहरी चाहना जाओ मेरे साथ सुनहरी चाहिए मकान का मकान सुनहरे सब जाओ जाओ मौज करो तो सुनहरी चाहते हैं ये घर अपने घर का काम नहीं है ये तो ये घर का काम तो सुनहरी है सुनहरी सुनहरी नगरी है सोनारी रेशी नहीं सोनारी रेशी नहीं रेशी सुथारी बनियानी रेशी नहीं यूं कह कुंभारी सुनेंगे नहीं आप कुंभकर्ण की स्त्री कह रही है क्या सोनारी रेशी नहीं है सोनारी तो हर गला नहीं रहेगी अरे सोनारी है ना लंका सोनारी रेशी नहीं रेशी सुथारी जो थारी जगह रेशी सोनारी कैसी रेशी सोनारी रेशी नहीं रेशी सुथारी अरे बनिया नहीं रेशी नहीं अरे बनी हुई बात नहीं रहेगा यूं कह कुंभारी कुंभारी जो सोनारी रेशी नहीं रेशी सुथारी बनियानी जैसी नहीं का कुंभारी बनियानी बोले भैया बनी हुई बात नहीं रहेगी सदा बनी रहेगी क्या रावण की क्या दशा हुई ये रहस्य नहीं तो भाई भगवान मतलब वो उस भगवान का भजन करो वो रहसी सुंदरी कैसे रहसी बनियानी कैसे रहसी बताओ अपने याद रख सा अपने सुंदरी मन रखा सुंदरी घंटों में जगह अर्पणियों ने जी हमारे पे ऐसे बोलो जी रहने वाली है ही नहीं सुना रिदेशी नहीं सुनिए अर्पणियों रिदेशी नहीं मैं जी सोता थारी है जगह रेशी जो कुंभारी का है गोविंद गोविंद गोपाला कैसी मौज की बात हो रही है हाँ बोलो भाई कोई बात बोल दो तो आज मन में आई विचार के क्या करो मन में आई ना था मत करो एक घर को काम है एक बेकार को काम है उल्ट दो भगवान और भजन सत्संग यो तो है खास घर को काम क्या धंधा है वो बेकार तो बेकार कटनी पड़ेगी सब वो काम करना ही पड़ेगा दुकान भी करनी पड़ेगी नौकरी भी करनी पड़ेगी खेती भी करनी पड़ेगी ये बेकार है मना तो बेकार है घर में आगे तो काम तो करना पड़ेगा पर असली काम करो असली अपना घर का लेकिन मैं कौटी एक दूसरे का काम नहीं खास सगड़ी पैदा अपने घर के घरा घरू रात दिन सुबह शाम हर समय कैसी मौज हो जाए मन लगा कर भगवान निराद करो तो निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ जन्म सफल हो जाए मनुष्य दिया भगवान ने कृपा करके नरसो रूप तो ही गोदी नर नारायण भगवान है नर नारायण वो नर स्वरूप है भगवान रूप है नर नारायण मनुष्य शरीर दो सदा पक्ष दो पक्ष देने एक डाली पर दो पक्षी बैठा है एक भगवान है एक ये है दोनों अड्डे में है जो भगवान और साथी है वो दोनों सखा है भगवान ने सखा शरीर दिया है और कर क्या रहे हो वो शरीर नारायण रूप है नर नारायण है जोड़ी नारायण अपने बरोबर बनाओ बरोबर बनाओ जाओ अपने बरोबर को किधर जा रहे हो सोचो भाई भाई सब सोचो भाई भगवान ने कितना अधिकार दिया है कितनी विचित्रता दी है कितनी चीज दी कैसे सत्संग दी है गीता जैसा ग्रंथ दिया है भगवान का नाम दिया है कलयुग में मनुष्य शरीर दिया है जैसे ठीक कर सके कल्याण कर सको आप दूसरा कर सके औरों का संत महात्मा क्यों कल्याण कर गए ऐसा आप कर सकते हो सबको अधिकार है इसका जिसे अपने कल्याण में भी दे रही या समय इतना दिया है थोड़े से इसमें कल्याण हो जाए इतना समय फिर भी नहीं कर रहे क्या आगे मन में हनुमान जी से बातचीत हुई थी लंकन निरी तो सत्संग तो हो ही गया हनुमान जी से बातचीत हुई ना लंकनी की तो सत्संग तो हो ही गया उनको हो गया लो सत्संग हाँ। तो
का तो ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए पराजी का पड़ता ही नहीं। अच्छा। तो गोरखपुर वाले बाबा है ना चक्रधर जी, उसने कहा था बताओ क्या साधु क्या होता है। साधु होता है पागल कुत्ते की तरह। अच्छा। पागल कुत्ता जिसको काटता उसको उठ ही जाता है। साधु जिसको अपना लेता है वो भगवान में लग ही जाता है। ठीक है। लाल लाल की बैठ गई उठी करो उठी पता कुछ। मैंने दवा करे तो नहीं उठ जा कटी क्या बात है भाई। भगवान की भगवान ने भक्तों की भगवान नाम की भगवत गीता की भगवान के भावों की क्या तुलना करें। विलक्षण बात अलौकिक बात है। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम च अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं बजाय। वैष्णव भगवान का भक्त है उसमें वैष्णव और भगवत भक्तो भगवान की भक्ति में और भगवान का प्रसाद उसमें और भगवान के नाम में चार चीजें श्रद्धा अल्प बुद्धि मतलब बुद्धि अल्प पुण्य है ना उनकी श्रद्धा यथावत नहीं होती है। एक विशेष श्रद्धावान होती है उसकी होती है उसकी हरेक के लिए होती है यथावत नहीं बजाय। बोलोगा एक घर को काम है पहचान घर के काम क्या पहचान करे रात दिन करे रात में भी करे दिन में भी करे मतलब रात दिन सुबह शाम भगवान के भजन बिना रहा नहीं जाएगा। बताए ना क्षणार्ध में भी आधे क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ सकते त्रिलोक का राज मिले तो भी नहीं पहचाने उसी लोगों के राज तो क्या कुछ नहीं उसके सामने। यहाँ पर 5-10 रुपया मिले तो सत्र छोड़ गया बाहर 5-7 रुपया मिलता है नहीं सत्र के समय में तो कहीं तो सत्संग कल ही कर रहे सामने 1 रुपया तो ले लो तो कल मर जाओ तो 1 रुपया साथ चाह रही सत्संग साथ चाह रही नहीं समझ सक रही अकल भावे ही नहीं बात। रोजीना सत्संग सत्संग क्या है क्या पैसा लगेगा बताओ रोजीना सत्संग है तो मोहत लीजिए जो आज नहीं तो कल कर ले परसों कर ले क्या आज तो खास काम है घर का वो करो पैसा पैदा हुआ है इस समय में तो सत्संग दाम कितना है कोई 8 आने के लिए सत्संग छोड़ दे कोई 9 रुपये के लिए छोड़ दे कोई 5 रुपये के लिए सत्संग छोड़ दे तो सत्संग करते हैं हम कितने दाम करते हैं हम कितना मूल्य है 10-1 रुपया मिला तो घंटा भर में 10 रुपया घंटा भर के तुम कौड़ी एक मिलती नहीं 10 रुपया मिलता हो तो कल कर ले सत्संग तो पता लगे सत्संग का दाम कितना आ गया हमें लाभ उतना ही दाम खर्चोगे उतना ही लाभ होगा। आपने खर्चा कितना किया है कसौटी है कर लो आप विचार दाम राम तो राम राम करो बंदू छोड़ा दी राम राम तू मत कर देता तो 10 रुपया देश कर लो जी राम राम या तो ले लो पैसे कर ले राम राम तो रुपया ले लो अभी वो बता दे आप कितने दामी राम राम करते हो कितना दामी सत्संग करते हो कितना दामी चीज करते हो उसके अनुसार ही फल होगा और कैसे होगा। अपना विचार करे तो आपने अकल में आ जाएगा इतना बरसों से सत्संग करते हैं अब बता घंटा भर 2 घंटा सत्संग करे वर्ष लगा दे उसे वर्ष होता है सत्संग कर 30-40 वर्ष हम सत्संग करते हैं 30 वर्ष अरे कितना हुआ घंटा भर में किया वर्ष पूरा का पूरा वर्ष लगा दिया 30 वर्ष हम सत्संग करते हैं हम समझे 1 घंटा का 1 वर्ष मान लिया वो भी रोजाना काम होते रोजाना सत्संग मिलते नहीं रोजाना काम हो जाए सत्संग नहीं आएगा क्या सत्संग तो आने ही वाले थे आज हमें नींद आ गई फिर नींद आप सत्संग आज नहीं आए बहुत जरूरी काम वकील से मिलना था वहाँ चले गए इस बार समय नहीं मिला
और वो सत्संग नहीं है, अरे भाई मित्र आ गए उसे बात करते सत्संग शब्द हो गया। अब बात करने वाले नहीं है भाई, काम भी करो नहीं भाई, नींद भी नहीं आवे तो सत्संग कर लो अपने, ये है मूल सत्संग। और बताओ रात रात बाहर सूता है नहीं, और वर्षा आ जाए तो वर्षा भीतर भीतर चलो भाई, भीतर चलो अरे जूती भर रहेगी, जूती के लिए मोटू कर गया वहां जाओ पास लाओ, वो तो इज्जत हुई भगवान रे, अरे भगवान नाम याद आ गया, नींद छोड़ कर जूती ले आओ, वो तो जूती जी से कहेंगे भगवान रे, अरे भगवान का नाम भूल गए भाई। अब ऐसे भीतर से तो कितनी इज्जत करिए नाम रे, नाम अंको तो था बड़े लाभ चाहते है तो वर्षोष करते है, तो ये नहीं भाई, भगवान के नाम में सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ पुकारो प्रभु को, और कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, इस बात भगवान ने बात नारायण 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 नारायण।